साहब मौत बड़ी सस्ती है हर मोड़ पर मिल जाती है, साहब मौत बड़ी सस्ती है हर मोड़ पर मिल जाती है, कीमतें तो जिंदगी की है जो तलाशने में उम्र बीत जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस के मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग का जो है ना कि दूसरा दिन है ये बेगूसराय के सरजमी पर जाने का मौका मिल रहा है। उनके जो है कोई हौज में जो है ना कि पानी का हौज है, उसमें कोई बिग साइज का सांप जो है कि छुपा हुआ है, गिर गया है। करीबन 20-25 दिन से बोला जा रहा है, लेकिन पता नहीं। हम लोग को जाते हैं वहाँ पे, चलते हैं और 2-4 मिनट का आप लोग का समय लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ पर चलकर कि यहाँ पे कौन सांप है। चलते हैं निकाल कर उसको एक नया जीवन देने का एक छोटा सा एक हम लोग पहल करेंगे। नहीं बच्चा, तुम दे दो तो इधर, तुम दे इधर, इधर आप दे दीजिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर बहुत जानिएगा वो सब जादू टोना वो झागुनी झाड़फूक की सब चीज। इसको हटाइए, इसको इधर रखिए। हाँ, साफ है। इसके बारे में लोग को कुछ बताएंगे भी। चलिए आइए, देखाइए तो किधर आइए। और देखिए खोजा खोदा पहाड़ निकली थी, सांप बोलते हैं वो सांप है यहाँ पे। और उस सांप को हम लोग जो है कि टोंग के हिसाब से हम लोग जो है कि उसको रेस्क्यू करेंगे और उसको सही तरीके से। चलिए स्टिक मेरा वो स्टिक है, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए लाइए। अरे अरे हट जाइए आप, नहीं पहुंच पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। झाड़ू मुझे दीजिए थोड़ा, पकड़िए तो झाड़ू। हाँ झाड़ू लाइए जल्दी। होगा इसमें नक्की मारा होगा लगता है, मोटा वाला था। और हम लोग और बहुत दिन से पानी नहीं है सर। और चलिए देखिए। हाँ चलिए आइए, हर जाइए तो कितना धोए इसको। चलिए देखिए, चलिए आइए हम लोग बाहर आते। चलिए इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, हट जाइए। देखिए इस सांप, देखिए हाथ उल्टा का। हाँ चलिए ठीक है। और एक मिनट हम देख लेते हैं ना, रुक जाइए ना, हम सांपे पकड़ने के लिए आपके यहाँ आए हैं ना। तो हर बार हम तो अंदर घुस के आए हैं ना, अगर बड़ा सांप रहता तो हम अंदर घुसने जाते हैं। इस सांप को हम लोग जो है कि हरारा सांप बोलते हैं। और इस सांप में जो है ना कि कहे छे बैनम मतलब विष, विष न हो छे। इस सांप अगर अभी हमरा काट लेते तो कोई दिक्कत ना है, इसलिए इस बात को बताया जाता है ना, ताकि आप लोग जो है ना कि जानकारी रखें। और ये सांप जो है ना कि बहुत दिन से पानी में था, जिसके कारण थोड़ा सा कठिनाई तो इसको महसूस हो ही रहा होगा। और हाँ हरारा सांप का बच्चा है, देखिए इसमें कहीं से विष ना हो जाए, ठीक है। ये सांप अगर कहियो, हाँ हरारा कहियो अगर काट उठ ले तो ठीक है, डॉक्टर के यहाँ चल जाए, लेकिन डरम न, काहे कि सांप से काटे से मरते ना आदमी। हाँ ना हिसाब से ना काट लेते। अच्छा काट लेती अभी हम तो ऐसे ना पकड़ती है,
गेहूं में सांप रहे ओकर अलग तरीका रहे पकड़े के। ना ना ये सब गलत बात है, हम अपने के पढ़ल लिखल लोग हती, बीए करके ही काम कर रहा लतिया, हम सपेरा ना हती, बीए जीव जंतु से पढ़ाई ही हमर बी, ये लेल ई सांप अगर काटे से मर जाता है तो हमें ना 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 पकड़ती है। हाँ हाँ, जादू टोना झाड़ फूक ओझा गुनी ये सब चीज ना हो, इसमें कहियो ना पड़म, ठीक है, ये बात के ध्यान रख लू अपने लोग, जितना लेख सुन रहा हती तब जाके हमरा बेगूसराय आयला हमरा सफल होते, काहे कि हम लोग जागरूक करने के लिए केवल ही अपने सके ही बतावे ला बोले कि लोग जो कि गांव देहात के अधिक लोग सांप काटे से ना डरे मर जाए छे, ई जानकारी देने के लिए हम सब जगह जाते हैं। चलिए ठीक है, इस सांप को हम लोग जाए, इस सांप को खेत में कहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत चलिए ना उधर हम लोग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है, और घर वाले हमारे बहुत ही अच्छे हैं, जो इन लोग को जब बताएं तो ये लोग बोले कि ना ना ठीक है, जब आप बता रहे थे, इस सांप को हम लोग जो है कि यहीं पर जो है कि छोड़ देते हैं, ताकि ये सांप जो है कि यहीं पर अपने घर परिवार में जो है घुल मिल कर रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रस के मुजफ्फरपुर को लाइक करे, कॉमेंट करे और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। और फिर से हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे बेगूसराय के धरती पर हमारे जितने भाई लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों को। चले किधर से चला जाए, इधर से, चलिए वो सब उठा लिया जाए ना।